पंजाब ने कल के मैच में कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया भैया। कल का मैच पंजाब वालों ने हरा दिया है चेन्नई को, वो भी उसी के होम ग्राउंड पे। कैसे ऐसा नहीं हो सकता? मतलब भैया पंजाब वालों को लग रहा था कि उनकी जो सामने वाली टीम है वो है लखनऊ की टीम, क्योंकि भैया लखनऊ से पिछला मैच जो ये हारे थे उसी का बदला ये लेना चाहते थे। दादा का, भाई का, सबका बदला ले रहा था। लेकिन भैया इस बार थी सामने चेन्नई, तो भैया धवन भैया थोड़ा सावधान हो जाना, क्योंकि भैया तुमने सोते हुए शेर के मुंह में हाथ डाला है। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। आमिर खान की एक मूवी आई थी, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन भैया पंजाब वाले यहाँ पर कह रहे हैं जिसने हमें जिताया वही है सिकंदर। कैसी बात कर रहा है? हाँ भैया सिकंदर ने बहुत ही कमाल करके ये मैच जिताया है। आखिर मैच में ऐसा क्या हुआ जानते हैं थोड़ी डिटेल से। चेन्नई के धुरंधर पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर आए और गायकवाड़ ने बहुत ही अच्छी शुरुआत दी। लेकिन भैया ये शुरुआत कोनवे को बहुत ही धीमी लग रही थी, इसलिए भैया कोनवे ने भैया बुलेट ट्रेन की तरह रफ्तार पकड़ी और जो चौके छक्के लगाए इन्होंने पंजाब वालों की हालत ढीली कर दी थी इन्होंने। नाखून चबा लीजिए आप। थर्ड मैन फाइन लेग सर्कल में भैया पंजाब वालों को फिर से लगने लग गया था कहीं हमारा मुकाबला फिर से लखनऊ की टीम से तो नहीं होगा। अजब आदमी है यार। लेकिन भैया ऐसा कुछ नहीं था, इस बार जो तुम्हारा मुकाबला था वो चेन्नई से था, तो चेन्नई वालों ने बहुत ही ज्यादा धोना शुरू कर दिया पंजाब वालों को। 52 बॉल खेलकर 92 रन बनाए। कल भैया कोनवे किसी और वे पे खेलते हुए नजर आ रहे थे। बहुत मारा, मतलब मार चोटी। हर बार की तरह इस बार भी भैया शिवम दुबे ने कमाल कर दिया। ये खिलाड़ी भैया लाजवाब है, पता नहीं इस खिलाड़ी को क्या हो गया भैया, रेडबुल पी के आता है क्या करके आता है, हर बार अच्छा खेल रहा है अपनी टीम के लिए। वेरी गुड। वही भैया पिछली बार जो चेन्नई के फैंस थे या यूं कह लो भैया जो माही के फैंस थे उनको भैया धोनी की पारी खेलने को नहीं दिखी थी, लेकिन इस बार भैया धोनी ग्राउंड पर आए और इन्होंने भैया लास्ट की दो बॉलों पर छक्के लगाए। यही तो वो पल है जिनके लिए हम जीते हैं। इसी का तो इंतजार रहता है भैया पूरी चेन्नई को, धोनी की ऑडियंस को। तो भैया धोनी ने लास्ट बॉल पर दो छक्के लगाए जिसकी वजह से मैच का जो स्कोर था वो 200 का आंकड़ा छू गया। मतलब बहुत ही अच्छा स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग गया था, लग नहीं रहा था कि भैया पंजाब इस स्कोर को चेस कर सकती है, क्योंकि भैया धोनी का मैदान, धोनी का होम ग्राउंड और भैया धोनी की वहां चलती है, बात तो सही है। लेकिन ये जो 200 का आंकड़ा था भैया इसको देखकर पंजाब के हौसले अभी पस्त नहीं हुए थे, उनके हौसलों में अभी भी जान थी। धवन भैया आए बैटिंग करने और उनके साथ साथ परब सिमरन सिंह और धवन ने मिलकर अच्छी शुरुआत अपनी टीम को दी। जो डर गया समझो मर गया। भैया काफी अच्छा खेल रहे थे। धवन ने 15 बॉलों पर 28 रन बनाए और वहीं पर भैया 24 बॉल पर 42 रन बनाकर दोनों खिलाड़ी आउट हो गए। ये जो मुकाबला है टक्कर का नजर आ रहा था, लेकिन कहीं लग नहीं रहा था कि ये मुकाबला पंजाब अपने नाम पर कर सकती है। आइए देखते हैं बैटिंग मजा आएगा। लेकिन भैया अभी बाकी थे इस जंग के विजेता, मतलब भैया इस जंग के एक ऐसा वॉरियर जो अभी तक खुलकर सामने नहीं आया था, मतलब तुरुप का इक्का, अब सामने आया भैया लाइम लिविंगस्टन। इन्होंने भैया जो जबरदस्त पारी खेली है, चौबीस बॉलों पर इन्होंने भैया बनाए 40 रन, वहीं लगने लग गया था कि भैया अब कहीं ना कहीं पंजाब इस मुकाबले में आ गया है चेन्नई को टक्कर देने। चेन्नई वालों की भी थोड़ी हालत खराब होने लगी थी, तुषार देशपांडे भी थोड़ा सा कपकपा रहे थे, खतरनाक लोग हैं। तो भैया मुकाबला अब हो गया था बहुत ही ज्यादा गंभीर, अब मैच का टर्निंग पॉइंट आ गया था, मतलब भैया मैच का लास्ट ओवर और वहां खेल रहे थे सिकंदर रजा। फिर क्या हुआ? फिर क्या? लास्ट के ओवर में चाहिए थे भैया 9 रन पंजाब वालों को, वहीं भैया सिंगल डबल आता गया और लास्ट बॉल पर बचा 3 रन। 2 रन बनाते अगर सिकंदर रजा तो ये मैच भैया टाई हो जाता, हमको देखने को मिलता सुपर ओवर। पर ऐसा हुआ नहीं। और वहीं भैया धोनी ने ऐसे कई मुकाबले अपनी टीम को जिताए, मतलब मुकाबला भैया बहुत ही ज्यादा टक्कर का हो गया था। चेन्नई के फैंस भैया दुआ कर रहे थे कि भैया हमारी टीम जीत जाए, ये बॉल खाली चली जाए, और वहीं भैया जो पंजाब के फैंस थे वो दुआ कर रहे थे कि भैया ये जो मैच है हमारे खाते में आ जाए। कुल मिलाकर भैया दोनों ऑडियंस की फटी हुई थी।
आगे से गीली और पीछे से पीली होने का खतरा बिल्कुल बरकरार था। सभी लोगों ने लाल लाल लंगोट पहनकर बैठे हुए थे ताकि आगे से गीली और पीछे से पीली ना हो, खतरा कहीं ना कहीं रुक जाए। मैदान में पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। लोगों की दिल की धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेज चलने लगी थी। इतनी तेज तो भैया रेस में घोड़े भी नहीं दौड़ते, बुलेट ट्रेन भी इतनी तेज नहीं चलती। तो भैया लास्ट ओवर की लास्ट बॉल चेन्नई की तरफ से डली और सिकंदर रजा ने ऐसा शॉट मारा ना, वो भैया चौका गया, ऐसी जगह गया जहां पर 3 रन सिकंदर रजा ने भाग कर ले लिए। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि भैया पंजाब ये मैच जीत गई, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पंजाब ने ये मुकाबला अपने नाम पर कर लिया। वहीं भैया चेन्नई के जो फैंस थे बहुत ही ज़्यादा निराश नज़र आए, बहुत ही ज़्यादा उदास नज़र आए। मतलब भैया लास्ट बॉल पर एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल, वक्त बदल गया और जज्बात बदल गए। सिकंदर रजा बन गए पंजाब के हीरो। एक टाइम भैया ऐसा था कि सिकंदर रजा क्रिकेटर जब नहीं बने थे, ये बनना चाहते थे पायलट अपने देश के लिए, और भैया यहां पर इस बार लेकिन सिकंदर रजा पायलट नहीं बन पाए। लेकिन कल के मैच में इन्होंने बहुत ही अच्छी उड़ान भरी है और अपने साथ साथ पंजाब की टीम को और पूरे पंजाब के दर्शकों को फ्लाइट की सैर करवाई है, मतलब इस जहां की सैर करवाई है सिकंदर रजा ने। शाबाश बेटा। वहीं धवन भैया ने एक सोते हुए शेर को जगा दिया, यानी कि सोते हुए शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। मुझे तो भैया ऐसा लग रहा है पिछली बार जो चेन्नई ने पंजाब को बहुत ही बुरी तरह से हराया था, उसी हार का बदला इस बार लिया है पंजाब वालों ने। प्रीति बहना भी इस जीत से बहुत ही ज्यादा खुश हैं और पंजाब के जो फैन हैं वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हैं। लेकिन चेन्नई के फैन बहुत ही ज्यादा गुस्साए हुए हैं, धोनी माही भैया भी बहुत ही ज्यादा गुस्साए हुए हैं। अब ये गुस्सा किस टीम पर निकलेगा ये देखना है भैया आगे होने वाले मैच में। तो भैया ये जो मुकाबला था बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और जो हमारा सुपर संडे था बहुत ही जबरदस्त सुपर संडे हमारा मन गया। तो दोस्तों इसी तरह इंटरेस्टिंग मैच होते रहेंगे अब आईपीएल 2023 के। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फटाक से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह बेहतरीन बेहतरीन वीडियो बना रहे हैं, आपको इंटरटेन कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना बनता है मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।